किलोमीटर के बाद सीधे चलते रहे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सुनो, आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं आज, बिकॉज हम जा रहे हैं हरिद्वार को, हिमाचल से आगे हरिद्वार को निकलने। काफ़ी थक चुके हैं गाइस, आज इतने दिन का सफर काफ़ी अच्छा भी था। और भाई मैं आपको कुछ सबसे बताऊँगा कैसा सफर था, कितनी थका पड़ा काफ़ी हूँ। इतना लंबा ट्रैवल करना मजाक बात नहीं गाइस, काफ़ी चुनौती से भरा ये सफ़र था। स्वाइस और यहाँ का व्यू ऐसा है, ये हाईवे है हरिद्वार वाला। सो इसी से जा रहे हैं, हमारा हमारी पिकअप ही खड़ी है। सो लेट्स सी, बने रहें इस ब्लॉग में। ये है गुफा, अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। ये अंदर ही अंदर बनाई है, ये देखिए अंदर ही अंदर एक कोट कोट बनाई गए, ये खतरनाक गुफा है। अंदर ही अंदर बहुत कोट के बनाई है ये। अच्छा, कभी बैठ सकती है, प्लेन साइड को काफी होता है, कैसा लग रहा ना, ओह माय गॉड, कैसे देखिए गाइस क्या पोजीशन है इसकी। Thank you.
वाला मंदिर हरिद्वार का, ये भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर ये नहीं है, लेकिन वो वहाँ वाले रास्ते में, ये दूसरा है, नया बन रहा है, तैयारी चल रही है उसकी। चलते ही रहो, अब यहाँ से तो यहाँ का तो कोई बात नहीं, यहाँ की टेंशन नहीं है। ये मार्केट में नहीं, हाईवे हाईवे निकालेगा रास्ता, हाईवे आ गया था कोई राम झूला लक्ष्मण झूला। यहाँ फॉरनर ज्यादा मिलेंगे ऋषिकेश में, फॉरनर बस कितनी खतरनाक लग रही। शुरू होती है गंगा, ये गंगा जी तो है सारी, डेढ़ किलोमीटर तक जारी रखें। आजकल बहुत ही तगड़ी आई है गंगा जी। नेशनल हाईवे 334 पर 3 किलोमीटर तक चल। जाने के लिए बाएं मुड़े। चार सौ मीटर के बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा है, नीचे को भाव है ना इसका।
थोड़ा बरसात में सबसे ज़्यादा पानी रहता है, चलो अच्छा। क्या लगा हुआ है? क्रेन है ना? क्रेन है? अच्छा पुल बन रही है, पुल। अंदर घुसा दिया Thank you.